हे फ्रेंड्स, मैं मनीष पटेल, आज मैं एज अ बिजनेस कोच, कंसल्टेंट और मेंटर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा स्टार्टअप स्ट्रेटेजी के तौर पे क्या क्या मुद्दे को ध्यान पे रखना चाहिए। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट वर्सेस अपॉर्चुनिटी, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है सेल्स और लास्ट में है कॉम्पिटिशन, उसको कैसे हैंडल करें। तो चलो सबसे पहला देखते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस अपॉर्चुनिटी। हमारे पास जितने भी नए कॉल्स आते हैं, नए बिजनेस के कॉल्स आते हैं, उसके अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख के इंक्वायरी करते हैं बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जान के तुरंत ही भाग जाते हैं और धंधे के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। बट मेजोरिटी धंधे में आपको वैसा ही दिखेगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा और सामने अपॉर्चुनिटी आपको कम दिखेगी। बट मेरा बोलना यह है कि आप इन्वेस्टमेंट के पहले आपको जानना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी ताकत के अंदर है या बाहर है या कहां और से मैं क्या अरेंज कर सकता हूं। बट उसके साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी दिखी और आप में उसको पकड़ के भागने की ताकत है तो आपको बैंक भी फाइनेंस करेगी, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी मिल जाएगा या कोई पार्टनर भी मिल जाएगा। आप देखते हो कि आज के जमाने में ओला है, फ्लिपकार्ट है, ओयो रूम्स है, पेटीएम है, ये 5-6-7 साल तक भी लॉस करते रहते हैं, बाद में भी उनको इन्वेस्टर भी मिलते रहते हैं, कंपनी का मार्केट वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो ये सोचने की बात है कि लॉस मेकिंग कंपनी में भी आज की तारीख में इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि आज का इन्वेस्टर बदल चुका है। आज का इन्वेस्टर रिस्क तो देखता ही है, देखता है, बट उससे ज्यादा वो देखता है कि ये धंधे के अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी है और ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ के कौन कितना आगे जा सकता है। आज उस अपॉर्चुनिटी पे पैसा लगाया जाता है। पैकेजिंग के धंधे के अंदर फ्यूचर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये जो मेरा कलीग है साहिल, वो लास्ट में आपको पूरा इंडस्ट्री का फ्यूचर और पास्ट ये सब आपको बताएगा। दूसरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग। आज आपने देखा होगा इस इंटरनेट के जमाने में जो भी नई कंपनियां हैं वो इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए पूरे मार्केट में पहुंच जाती है, क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग फिजिकल मार्केटिंग में जाने से सस्ता, स्पीडी और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। फिजिकली मार्केट में जाके कस्टमर को मिलने में आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोगों को ही मिल सकते हैं, बट एक मार्केटिंग का अच्छा वीडियो बना के आप एक दिन के अंदर 100 लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। ज्यादा कितना करना वो आपकी मर्जी की बात है। फिजिकली जब आप मार्केट में मिलने जाओगे तब कस्टमर आपकी ज्यादा जरूरत देख जाता है और आपसे कम भाव, ज्यादा क्वालिटी और स्पीडी सर्विस मांगता है। उसमें आपका प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता है। जब आप किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन का वीडियो बना के लोगों को भेजते हैं तब ग्राहक आपका मैसेज, फोन मैसेज को देख के या वीडियो देख के आपको फोन करता है, उसमें आपकी कम गरज दिखती है। तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का वीडियो बनवाए और इसमें कंजूसी जरा भी मत कीजिए, क्योंकि ये आपके धंधे का फर्स्ट फेस है। आपको मेरी बाजू में दिख रहा होगा उसी तरह का वीडियो बनाइए या उससे भी अच्छा वीडियो बनाइए। बाद में वीडियो को भेजने के लिए एक व्हाट्सएप की लिंक होती है, वो लिंक में आपको ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो आप अपने गूगल क्रोम में कॉपी पेस्ट करके बीच में नंबर बदल के नंबर सेव किए बिना आप सीधा व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप वेब के थ्रू। और मेरा सजेशन है कि आपका जो परमानेंट नंबर है उससे ये मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं करिए, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप ज्यादा मैसेज भेजेंगे तो ब्लॉक करने का भी चांसेस है। तो उसके लिए एक 500-2000 रुपए का जो पुराना मोबाइल मिलता है जिसमें 2 सिम कार्ड आ सकते हैं और व्हाट्सएप चलता है, ऐसा कोई मोबाइल लीजिए, 2 सिम कार्ड नहीं लीजिए। और शुरुआत में आप 15-20 अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको मैसेज भेजिए, मैसेज रिप्लाई लीजिए, तो व्हाट्सएप को ऐसा मैसेज जाएगा कि ये अंदर अंदर ही मैसेज भेज रहे हैं। बाद में आप 25 लोगों को नया भेज सकते हैं मैसेज, और ऐसे 2 नंबर में आप 50 लोगों को भेज सकते हैं, 3 नंबर में 75 लोगों को भेज सकते हैं और एक दिन में 100 लोगों को भेज सकते हैं, ज्यादा फिर आपकी मर्जी है। और ज्यादा कस्टमर तक अपना का वीडियो पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो वो लोग आपको इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे तभी तो सेल्स की लीड क्रिएट होगी। तीसरा है सेल्स। जिसको भी धंधे में या जॉब में भी आगे जाना है तो उसको सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे सेल्स के वीडियोस देखे हैं, वर्कशॉप किए हैं, जिसमें मुझे लगा कि स्पैमको प्रोसेस जो सबसे पहली और बेसिक है
उसको हर धंधे वाले को देखना चाहिए जिसको सेल्स आगे बढ़ानी है। और ये सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट 6 घंटे का है। सेल्स में 3 चीज लगती है, एक कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा सेल्समैन। ज्यादातर लोग अपनी प्रोडक्ट को आगे रखते हैं या कंपनी को आगे रखते हैं या बाद में प्रोडक्ट रखते हैं और बाद में सेल्समैन अपने उसके पीछे अपने बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बट ज्यादातर कस्टमर अच्छे सेल्समैन को ही प्रिफर करता है। किसी का नॉलेज अच्छा लगा, किसी का पर्सनालिटी अच्छा लगा, किसी का ट्रस्टीनेस अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छा लगा, तो उसके ऊपर ही धंधा होता है। अगर आप उस कस्टमर को अच्छे लग गए तो आपका प्रोडक्ट शायद 19-20 होगा तो भी बिकने का चांस है। बट अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो बट अगर आपकी आपको अच्छे वो नहीं लगे तो आपका धंधा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा या आपको बहुत ही कम प्रॉफिट पे वो कस्टमर लेके आएगा। तो चलो देखते हैं स्पेनको प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि सेल्स कलाकारी बाद में है, पहले एक साइंस है। 1970 में जेरोक्स कंपनी जो बड़ी कंपनी थी उसका एक लर्निंग सेंटर था। वो लर्निंग सेंटर के अंदर वो लोग R&D करते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल सेल्समैनों के काम करने के तरीकों को स्टडी किया और बाद में हर कोई अप्लाई कर सके उस तरह वो मेथड को बाहर निकाला, जिसको बोला जाता है स्पेनको प्रोसेस। चलो देखते हैं स्पेनको प्रोसेस के पहले 2 स्टेप्स। स्पेनको प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है सस्पेक्टिंग, दूसरा स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा स्टेप है अप्रोच, चौथा स्टेप है नेगोशिएशन, पांचवा स्टेप है क्लोजिंग और छठा स्टेप है ऑर्डर। चलो सबसे पहले देखते हैं सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग के बाद में कस्टमर को फोन किया जाता है, फिजिकली उसको अप्रोच किया जाता है। बट जो लोग ये नहीं करते हैं तो कस्टमर उसके ऑब्जेक्शन देके उसको उधर ही बिठा देते हैं। सस्पेक्टिंग जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर कस्टमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, मतलब ये आर्ट ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कैलकुलेशन का है। कौन है कस्टमर, उसके लोकेशन के ऊपर से भी आप जान सकते हैं। अगर समझो हमारे अहमदाबाद में CTM एरिया, तो उधर ज्यादातर छोटी फैक्ट्रीज ही रहती है, तो उधर कोई छोटा ही कस्टमर होगा। बट अगर समझो बाकरोल है या कठवाड़ा है तो उधर मेजोरिटी बड़ी फैक्ट्रियां ही होती है, तो वो जगह पे आपको वो समझ जाना चाहिए कि ये बड़ा कस्टमर है या छोटा कस्टमर है। कस्टमर का रेफरेंस कोई निकलता है कि नहीं वो पहले चेक कर लेना चाहिए। दूसरा, कस्टमर डिसीजन कैसे लेता है, फास्ट फास्ट लेता है या नहीं लेता है, अगर कोई रेफरेंस निकलता है तो उससे पूछ भी सकते हैं। दूसरा, कौन सी गाड़ी चलाता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है। कस्टमर का मतलब कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाले, क्योंकि एक भी आपका गलत कदम आपका एक अच्छा कस्टमर खो सकता है। दूसरा, कस्टमर आपके बारे में कुछ नहीं जानता बट अगर आप उसके बारे में ज्यादातर कुछ जानते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हायर रहेगा कस्टमर से ऊपर। कस्टमर कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, कौन सी प्रोडक्ट बेचता है, कौन से चैलेंजेस है, अगर वो जब भी जान सके तो सबसे बेस्ट है। आपने देखा होगा कि टाइगर या लायन जब शिकार पे जाता है तब ऐसे ही सीधा भागने का चालू नहीं करता जैसे अपने सीधा कस्टमर को फोन कर देते हैं। वो सबसे पहले शिकार पे जाता है तब वो एक जगह छुप के हिरणों के झुंड को ऑब्जर्व करता है, किधर से मैं भागूं, इधर से जाऊंगा तो ये होगा, इधर से जाऊंगा तो वो झाड़ी में चले जाएंगे, इधर से जाऊंगा तो तालाब में चले जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, घूम के उधर से अटैक करता हूँ और इसको अटैक करता हूँ, ये थोड़ा बुढ़ा दिख रहा है, इसको मारने में आसानी रहेगी। ऐसे प्लान करके वो भागता है। वो प्लान करने में 2-3-4-5 मिनट लगाता है बट वो भाग के पकड़ने में उसको 30 या 40 या 50 सेकेंड ही लगते हैं। तो मतलब सेल्स कॉल पे जाने से पहले आपकी तैयारी आपकी जीत या हार आपकी निश्चित कर देती है। सस्पेक्टिंग का मतलब है तैयारी करना। ये एक लाइफ स्किल है। जिंदगी में नया धंधा चालू करना हो या ज्यादा प्रॉफिट लेना हो, कस्टमर को कहां से नया लाए, किस तरह की इंडस्ट्रीज में जाए, कहां से मेरे को कस्टमर मिलेंगे, कहां से डेटा इकट्ठा करूं, ये सब जो है ये सस्पेक्टिंग में आता है। अगर ये स्किल किसी में भी होगी तो तैयारी करके काम करेगा तो उसके फेल होने के चांसेस 9 के बराबर हो जाएंगे। तैयारी किए बगैर काम किया तो फेलियर होने के पूरे चांसेस है। सेकेंड सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में 3 चीजें देखी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कस्टमर के पास मनी है कि नहीं। अगर आपको कोई रेफरेंस मिलता है या मार्केट में आप इंक्वायरी करते हो तब पता चलता है कि नहीं, ये कस्टमर
लंबे टाइम से पेमेंट ज्यादा टाइम से नहीं दे सकता, तो उसके उधर जाने का मतलब नहीं है। अगर जाना भी है तो अपना टर्म फिक्स रखना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम के अंदर ही पेमेंट लूंगा, या आपको मेरे को पीडीसी चाहिए या मेरे को एडवांस में ही पैसा चाहिए। दूसरा है अथॉरिटी कौन है। अथॉरिटी सबसे पहले ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अगर समझो आप कोई धंधे में गए, कस्टमर को मिलने गए, आपको तीन पार्टनर दिखे और आपको जिसका रेफरेंस मिला था उसकी उसके ही सामने आपने सब कुछ प्रेजेंट कर दिया, बट बाद में आपको वो डायलॉग मिलेगा कि काम करो ये जो सेल्स है वो मेरे भाई देखते हैं या परचेज है वो मेरे भाई देखते हैं, तो आप एक काम करो मैं मेरे भाई को समझा दूंगा और मैं आपको बोलूंगा। आपका प्रोडक्ट कोई अनजान आदमी कैसे समझाएगा वो आपको भी पता है, तो आपका फेलियर उधर ही हो गया। तीसरा है नीड। अगर समझो आपको इंक्वायरी में ऐसा पता चला कि उनके जो एग्जिस्टिंग सप्लायर उनके उधर कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया या वो कुछ प्रॉब्लम में है जिसके कारण वो आज की तारीख में प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं दे सकते, तो आपको उधर इमीडिएटली जाना चाहिए। बट अगर बाद में आपको ये भी सुनने में मिल सकता है कि वो कस्टमर कोई नए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो आज उनके पास टाइम है, मशीनरी आ रही है, तो आज से वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप उधर बाद में जाओगे तो भी चलेगा। अलग अलग इंसानों की अलग अलग बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है। पहले होती है एक्सट्रोवर्ट, कोई लोगों को बहुत बोलना अच्छा लगता है, वहां बोल के ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं। कोई होते हैं इंट्रोवर्ट जिनको बहुत ही कम बोलना पसंद होता है तो उनको पेपर वर्क ज्यादा देना पड़ता है। कोई होते हैं सबमिसिव होते हैं, मतलब दबके बात करेंगे, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं यार, ऐसे करो ऐसे करो। कोई होते डोमिनेंट, अपनी बात दम के साथ बात करेंगे कि नहीं ये आप जो बोल रहे हो बराबर नहीं है, मैं जो बोलता हूं वही बराबर है। कोई होते हैं लो ऑन इमोशंस होते हैं, मतलब उनकी भावनाएं कम रहती है। कोई हाई ऑन इमोशंस होते हैं जिनको बात करना बहुत अच्छा होता है, जो लो ऑन इमोशंस होते हैं उनको बात बहुत कम करना अच्छा होता है। कोई लोग एग्रेसिव लोग होते हैं, गुस्से से बात करने वाले होते हैं। कोई लोग बात करेंगे बट दम के साथ बात करेंगे जिसमें गुस्सा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है जिसको जान के बाद में ही अप्रोच करना चाहिए। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। ये जो स्पेनको का जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का है। अगर आप सेल्स की स्किल डेवलप करना चाहते हैं और सेल्स मल्टीप्लायर बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स या डीवीडी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये स्पेनको जो प्रोसेस है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का है। ये अगर आप स्किल डेवलप कर लेंगे तो ये पक्का बात है आप सेल्स मल्टीप्लायर बन जाएंगे। और यही नाम की डीवीडीज हैं जो आप देख के आप अपनी सेल्स की स्किल बढ़ा सकते हैं। ये जो डीवीडी है आपको स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी जो मेरे बाजू की स्क्रीन में दिख रहा है आप वहां से ले सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी दिया है, वेबसाइट भी दिया है और उनका ईमेल आईडी भी मैंने दिया है। अब लास्ट में देखते हैं कॉम्पिटिशन के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मार्केट में जाते हैं, कंपटीशन देखते हैं और धंधे के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है ये लोग पॉजिटिव थिंकर हैं। पॉजिटिव थिंकर तब तक ही पॉजिटिव बना रहता है जब तक उसको 4 नेगेटिव चीजें नहीं दिखती या 4 झटके नहीं लगते। जैसे उसको 4 झटके लगे वो सीधा नेगेटिव थिंकर बन जाता है। तो इसका रास्ता एक ही है कि पॉसिबल थिंकर बने। पॉसिबल थिंकर की ये सोच रहती है 50 लफड़े होंगे, 50 लफड़े को मैं सॉल्व करूंगा, उसमें से पॉसिबल वेज निकालूंगा, उनको सॉल्व करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। एक बात सोचिए, अगर धंधे में कमाई नहीं होती तो कोई धंधा ही नहीं करता। जैसे एसटीडीपीसीओ की हालत हुई, आज की तारीख में एसटीडीपीसीओ को दिखते ही नहीं है क्योंकि उसमें कमाई नहीं रही। आप समझो दूध और किराने के धंधे में कितनी कॉम्पिटिशन होती है, बट हर कोई कमा रहा है। कोई मेहनत ज्यादा करता है तो उसके हिसाब से कमाता है, कोई मेहनत और दिमाग दोनों लगाता है तो वो इस हिसाब से कमाता है। मतलब आपकी मेहनत और दिमाग के जोर पे ही आप निर्भर करता है कि आप धंधा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कर दिया तो कितने आगे जाएंगे। एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंसल्टेंट मैंने ये देखा है कि जितनी ज्यादा कॉम्पिटिशन उसका मतलब उतने ज्यादा लोग धंधा कर रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग धंधा करे उसका मतलब उतनी ज्यादा डिमांड है। अगर आपने R&D करके कोई नई प्रोडक्ट भी उतार दी तो 3 से 7 साल के अंदर कोई ना कोई कॉपी करके आपका कॉम्पिटिटर बन ही जाएगा। और बाद में भी आपको कॉम्पिटिशन तो फेस करना आना ही चाहिए, नहीं तो आपको आपके कॉम्पिटिटर ही हरा देंगे। और कॉम्पिटिशन ही आदमी को ज्यादा कैपेबल बनाता है, ज्यादा सक्षम बनाता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक मेडिकल स्टोर वाला एक अच्छी जगह पे दुकान लेता है या हाई रेंट पे करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाद में फर्नीचर डालता है, माल भरता है, और बाद में पहले 5-10 साल के अंदर वो क्या कमाता होगा,
वो कम से कम 50-60-70-80 लाख रुपए डालता होगा, बाद में जाके उसको एक आदमी भी शायद रखना पड़े या नहीं भी रखना पड़े, बट वो मैं नहीं मानता कि एक महीने के अंदर शुरुआत में 30-40-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता होगा, बट वो अपने आप का पैसा लगा के वो अपने आप को फंसाता है, और फंसता है जब आदमी तब उसके ऊपर काम करता है, ज्यादा काम करता है तब 5-10 साल के अंदर वो सक्सेस हो जाता है और एक नौकरी की गुलामी में से बाहर आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि सेल्स स्ट्रेटजी में अपने बहुत सारे मुद्दे कवर कर लिए, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, कंपटीशन है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस अपॉर्चुनिटी है। बाद में मेरा जो कलीग है शेल, वो आपको कौन सी इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए, मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और किस किस तरह के ध्यान रखने चाहिए, ऑटोमेशन में जाना चाहिए या मैन्युअल लेना चाहिए, सब मुद्दे लेगा। उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस के टेक्निकल डिसीजन भी ले सकते हैं।